देश में इस वक्त मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आजकल के युवा मशरूम की खेती को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से छोटे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, लेकिन इस खेती को लेकर जानकारी का अभाव है। जैसे कैसे खेती करें, कहां करें, कहां बेचें, कितने में बेचें, कौन सी मशरूम लगाएं इत्यादि। आज माटी इंडिया हरियाणा के एक यंगस्टर से आपको मिलवाने जा रहा है, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम फार्मिंग की शुरुआत की है और अब वो इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने अपने गांव की कई महिलाओं को इस फार्मिंग से जोड़ा है और उन्हें गांव के गांव ही रोजगार उपलब्ध करवाया है। अब ये महिलाएं और लड़कियां भी अपने ही गांव में स्वावलंबी बन चुकी हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम हरियाणा के इस किसान से बात करेंगे। नमस्कार, आज मैं करनाल जिले के कोयर गांव में हूँ और आज इस जगह पर आने का मकसद मेरा है कि मैं आपको मशरूम की खेती दिखाऊं। मशरूम आजकल बड़ा प्रचलन में है और वो कैसे उगता है और कैसे वो बैग्स में उसे बनाकर आपके सामने वो पहुंचता है, कैसे पैकिंग होती है, कैसे उगाया जाता है, कैसे उसमें सब्सिडी मिलती है और कैसे वो बीज से एक मशरूम में परिवर्तित होता है और कितने दिन में वो फसल बनकर तैयार होती है, वो बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं राणा मशरूम में हूँ और ये जगह जो है करनाल के कोयर गांव में स्थित है और मैं राणा मशरूम के अंदर जाऊँगा, यहाँ नवीन जी हमें मिलेंगे। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सब। हमें आपने जो ये काम शुरू किया है मशरूम का, इसके बारे में बड़ी दिल्ली तक चर्चा है, तो आपने कैसे और कब शुरुआत की राणा मशरूम की और क्यों की? सर नमस्कार, मेरा नाम नवीन राणा है और मैं एक गांव कोयर से रहने वाला हूं जो जिला करनाल में है। मैंने मशरूम प्लांट लगाया है अगस्त में, इससे मैं अच्छी प्रोडक्शन ले रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का काम है। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि आपको क्यों लगा कि आप मशरूम पर ही काम करें? मशरूम को लेके आपने क्या कभी मार्केट में रिसर्च की? जी, मशरूम की प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ओवरऑल अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और यहाँ पे जो अभी लोग बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं या कुछ भी रोज़गार कर रहे हैं, उसमें देखा गया है कि अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना का। कोरोना में बहुत सारी नौकरियां लोगों की ख़त्म हो चुकी थी, तो इस करके मैंने ये प्रॉफिट का काम है, इस करके मैंने शुरू किया है। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि आपने ये कितने एरिया में शुरू किया ये मशरूम उत्पादन और कब आपने इसको इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया? ये 2021 में मैंने स्ट्रक्चर कम्प्लीट किया है। 3 चैम्बर्स मेरे पास हैं अभी में और 2500 स्क्वायर फुट एरिया में मैंने ये काम किया हुआ है, छोटी सी जगह में ही अपने गांव में। तो आपका इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में कितना खर्चा आया? क्या इसमें सरकार की तरफ से भी, क्योंकि ये हरियाणा के इलाका है, कोई सब्सिडी की स्कीम रही है? जी, इसमें 20 लाख का लोन मुझे बैंक ने दिया है, सरकार ने 8 लाख सब्सिडी प्राप्त कराई है और जो अदर चार्जेस हैं वो मैंने खुद पे किए हैं। तो मतलब कुल मिला के मतलब कितना खर्चा आपको? लगभग 45 लाख के आसपास इस पर खर्च हो चुका है। 45 लाख रुपए खर्च हो चुका है। तो उस 45 लाख में क्या ये जो मैं देख रहा हूँ ये कंपोस्ट और ये बैग, ये फर्स्ट टाइम उसी खर्चे में इंक्लूड था? जी, ये सब इंक्लूड होके ही 45 लाख रुपए का सक्सेस कंप्लीट हुआ है। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस पूरे आपके जो भी ये बैग्स लगे हुए हैं और ये पूरा यूनिट तैयार है, इसको घूम घूम के समझेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये एक मान लिया कि ये बैग है जी, ये कितने किलो का बैग है? इसमें ये जो मैं देख रहा हूँ ये कंपोस्ट, इस कंपोस्ट को क्या बोलते हैं और ये जो मशरूम का उत्पादन हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या करना पड़ा आपको? फर्स्टली क्या किया जाता है, ये 10 किलो के बैग को हम भर के रख लेते हैं कंपोस्ट में। कंपोस्ट में जिप्सम, यूरिया और अपना तूड़ा मिक्स करके इसके प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस के बाद इसमें इसको रखा जाता है, 13 दिन के लिए स्पून रन किया जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है और कोकोपिट का इस्तेमाल किया जाता है। कोकोपिट आफ्टर 13 डेज स्पोन रन के इसमें डाला जाता है
उसके बाद इसमें उत्पादन शुरू हो जाता है 30 दिन के बीड्स के बाद। अच्छा, तो पूरा मान लिया अगर 30 दिन के बाद एक बार उत्पादन आप ले लेते हैं। ले लेते हैं जी। तो 30 दिन के बाद एक बार उत्पादन ले लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम कब उत्पादन लेंगे? जैसे फर्स्ट उत्पादन 30 दिन के बाद आया है, वो 10 दिन चलेगा, वो 2 दिन का गैप आने के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, 1 हफ्ता फिर चलेगा, फिर 2 दिन का गैप आएगा, फिर 1 हफ्ता और चलेगा। अच्छा, तो इस अगर जिस यूनिट में इस वक्त हम हैं जी, ये कितने लेयर में आपने बैग्स लगाए हैं? 7 लेयर्स में लगे हुए हैं, 7 रैक हैं ऊपर तक। अच्छा, 7 रैक हम ऊपर जाके देखेंगे जी, अभी आप हमें दिखाइएगा जी। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि तो इसमें अभी तक आपने कितना उत्पादन ले लिया? इसमें से मैं 3200 किलो माल ले चुका हूँ सेकंड फ्लश तक, 20 टन कंपोस्ट है मेरे इसमें। अच्छा, तो इसे एक बार यूज़ करने के बाद 3 बार जो प्रोडक्शन आप ले लेंगे उसके बाद ये किसी काम का रहेगा ये कंपोस्ट? जी, ये अपने खेतों में यूरिया का काम करेगा। यूरिया का काम करेगा जी, यूरिया और DAP का काम करेगा। अच्छा, तो मार्केट में जब आप इसे बेचने जाते हैं तो कहाँ की मार्केट में बेचते हैं और क्या रेट में बेचते हैं? ये लोकल में भी चला जाता है, दिल्ली चंडीगढ़ में इसमें बहुत अच्छी मार्केट है। अच्छा, हाँ जी, सेल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा जी, तो एक जो बॉक्स हम देखते हैं मार्केट में, वो बॉक्स आपके यहाँ से कितने में रेडी होके जाता है? यहाँ से 200 ग्राम की उसकी पैकिंग की जाती है, उसकी पैकिंग कॉस्ट 20 रुपीज़ है जी। 20 रुपीज़ है, आप मतलब आपके यहाँ से वो 20 रुपीज़ में रिलीज हो जाता है, और मार्केट में जो भी होलसेल में बेचते हैं लोग, फिर वो 40 रुपये 50 रुपये जितना भी उनका अपना मार्जिन रहता होगा सबसे बेचते हैं। तो आप मुझे ज़रा अपना यूनिट पूरा घुमाइए कि ये कैसे कैसे है और कितनी लेयर में है। पहली लेयर तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक ये नीचे ये लेयर है, फिर ये सेकेंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है, ये चौथी लेयर है, फिर इसके ऊपर का मुझे रास्ता कहाँ से आपका? सर वो उधर से है। हाँ, तो हम वहाँ से चलेंगे। अब हम इसके जो है एक नए फ्लोर पर जा रहे हैं, ऊपर ये देखेंगे आप सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आयरन रॉड का इस्तेमाल किया गया है, और आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो AC की आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये देखिए, ये मशरूम का उत्पादन यहाँ एक बड़े स्तर पर हुआ है। हाँ, तो ये आपका एक मतलब टॉप फ्लोर है यहाँ? टॉप फ्लोर। अच्छा, तो ये पूरा सब 7 फ्लोर में रेडी लगा हुआ है जी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है मुझे मशरूम की का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? इसकी कटिंग अभी रहती है। अच्छा, अभी कटिंग चल रही है। कटिंग चल रही नीचे है, नीचे कंप्लीट कटिंग हो चुका था। अच्छा, तो यहाँ से अभी आपने कितना पैदावार ले ली है यहाँ से? टॉप फ्लोर से नहीं, कंप्लीट 3200 किलो माल अभी तक जा चुका है। अच्छा, अभी इसमें से कम आज भी 300 किलो माल टूटेगा। अच्छा, तो अच्छा हम क्योंकि देख रहा हूँ मैं यहाँ पर AC के डक्ट लगे हुए हैं जी, तो ये टेम्परेचर का थोड़ा सिस्टम समझाइए कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? सर इसमें ब्लू स्टार की मशीनें लगी हुई हैं 5.5 टन की। हाँ। इसमें टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है ब्लू स्टार ने। हाँ। उसके हिसाब से इसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अच्छा, तो इस वाली यूनिट के अंदर कितना आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? अभी सर 16 to 17 degree टेम्परेचर चल रहा है बैग का। 16 to 17 degree, तो इतना मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी रहता है? जरूरी रहता है। तो ये हर वक्त 15 से 16 मतलब? नहीं, हर वक्त नहीं, जब ये स्पॉन रन पे होते हैं तब इसका डिग्री टेम्परेचर होता है 24 to 28 degree। अच्छा जी, तो अभी 15-16 के आसपास? हाँ जी, 15-16। तो मतलब अगर कोई यूनिट खड़ी करना चाहे तो उसको ये AC का खर्चा अलग महीने का एक मान के चलना पड़ेगा? ये मान के चलना पड़ेगा जी। तो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें कितना बिजली का खर्चा है? सर लगभग एक रूम का मेरा 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है महीने का। तो 90,000 रुपये आपके तीन यूनिट्स का लगा के? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये मशरूम का उत्पादन टेम्परेचर गर्मियों में या कहीं ओपन एरिया में नहीं हो सकता? सर गर्मियों में आपको कोल्ड स्टोर के अंदर करना पड़ेगा पफ लगा के, सर्दियों में आप बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, झोपड़ी भी लगा। तो एक चीज़ और बताइए कि मशरूम की ये कोई खास किस्म है या अगर है तो कौन सी किस्म? ये वाइट बटन मशरूम। वाइट बटन मशरूम जी, तो इसमें क्या खूबी होती है वाइट बटन मशरूम में? सर वाइट बटन मशरूम नॉर्मली हमारे वेजिटेबल्स में यूज़ होती है। वेजिटेबल्स में होती है, और कितने प्रकार के मतलब क्या क्या होते हैं? एक सर ऑयस्टर मशरूम होती है। हाँ, वो मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है। हाँ जी। अच्छा, एक ढिंगरा मशरूम होती है, वो भी मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी तक आपका जो अनुभव रहा है पिछले 6-8 महीने का जी, वो कैसा रहा कि आर यू सेटिस्फाइड? यस, मैं बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा काम किया है।
तो और जो इसका प्रॉफिट आप देख रहे हैं वो अच्छा देख रहे हैं? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है कि आप क्या सोच रखा है? सर इसको आगे फर्दर बढ़ाने की कोशिश कर जा रही है, 3 रूम और बनाने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे जो फिजिबिलिटी है और अच्छा जो एक 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 बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि आपके लिए दिल्ली का मार्केट नज़दीक है। जी दिल्ली चंडीगढ़ सेम है सर। अच्छा जी, तो दोनों जगह से रेट आपको मिल जाता है? मिल जाता है। तो और सारा आपका माल यहीं से उठ जाता है? यहीं से, यहीं पे गाड़ी आती है, यहीं से माल उठा के ले जाती है। तो आप लोग ये देखिए, ये इस तरीके से बैग बनते हैं और ये बैग में फिर जो है उसकी पौंद रोपी जाती है। वो पौंद कैसे रोपी जाती है मशरूम की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर कैसे ये 3 से 4 महीने में पूरा पैदावार रेडी हो जाती है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो हमारी कुछ बहनें अभी तैयार कर रही हैं। नमस्ते आंटी, बहुत बढ़िया। कितनी काट ली सुबह से? अच्छा 3 यहाँ भर दी, बहुत बढ़िया। कब तक काम करोगे आज? 6 भी बज जाए। अब यहाँ ठंड रहने लगी है और अब ज़्यादा ठंड से, तो इतने ठंड में कैसे काम करते हो? आपने तो कुछ मोटा पहना भी नहीं है, हैं? करना पड़ा है। भैया अब नीचे भी उतरना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है नीचे उतरना। तो नवीन जी जरा ये इस वाले हिस्से के बारे में बताइए, ये मैं देख रहा हूँ कुछ नए बैग रेडी हैं। जी तो ये क्या है? ये सर बैग की अभी फिलिंग की गई है, नया कंपोस्ट इसमें ला के रखा गया है। ठीक है जी, अभी ये भी इसका स्पॉन रन किया जाएगा। अच्छा जी, स्पॉन रन का मतलब? अभी इसमें जो हमारा बीज है उसको फोड़ा जाएगा और उसमें उसको जाला बिछाया जाएगा पूरे बैग में, जिससे हमारा मशरूम उत्पादन शुरू होगा। तो ये इसमें आपने कितना किलो भर दिया है? ये 10 किलो का भराई होती है। 10 किलो की भराई। तो ऐसे ये पॉलिथीन के ये बैग होते हैं? ये पॉलिथीन का बैग होता है 10 किलो का। अच्छा, तो जो आप बीज की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, वो कैसा होता है? ये बीज होता है हमारा। अच्छा, वो ये बीज है? जी। अच्छा, जो बीज ये क्या ये मशरूम का बीज है मतलब? जी मशरूम का बीज। अच्छा देखिए, ये मशरूम का बीज जो आप मशरूम खाते हैं ये इसी से जो है मशरूम का उत्पादन होता है। तो ये इस बीज में कोई पदार्थ मैं देख रहा हूँ कुछ लगा हुआ, कुछ मटेरियल लगा हुआ है? गेहूं के ऊपर फंगस लगाई जाती है। अच्छा, गेहूं के ऊपर फंगस लगाई जाती है जी। अच्छा, तो वो गेहूं वो फंगस के मिश्रण से ही फिर वो मशरूम में परिवर्तित होती है जी। अच्छा, तो ये वाला एरिया कितना है? ये भी 2000 बैग का है। ये भी 2000 बैग का है जी। तो अभी इसमें आप बीज कब बीज लगा रहे हैं, तो अभी कब इसकी फसल तैयार होगी? इसकी मई में जाके फसल फर्स्ट मई ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहली फसल आप मई में आप इसकी निकाल लेंगे जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई बहनें भी काम कर रही हैं, तो ये कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? अभी इसमें 7-8 बंदे काम कर रहे हैं, 7-8 लेडीज। अच्छा जी, अभी इसको टाइट पैकिंग के साथ बंद किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें अभी क्या है, हीट पैदा की जाएगी। हीट पैदा की जाएगी जी, हीट से मशरूम को। अच्छा, ह्यूमिडिटी पैदा होगी जी, उसके बाद जो है वो ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो फिर इसको खोल दिया जाएगा। खोल दिया जाएगा, इसकी कटिंग की जाएगी। अच्छा, तो ये कब प्रोसेस होगा? ये 13 दिन के बाद प्रोसेस होगा। 13 दिन, इसके बाद इसके कोकोपीट का मिश्रण मिलाया जाएगा। अच्छा, अभी और मिलाया जाएगा जी। इसके ऊपर एक कोकोपीट की मिश्रण और लेयर लगाई जाएगी जो कि स्पोन को नीचे से ऊपर लेके आएगी। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो देखिए अभी सारे ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ तो सारा भर चुका है जी, भरा हुआ है। देखिए जैसे हमने उस वाले यूनिट में आपको दिखाई थी वैसे ही इस यूनिट में भी जो है फ्लोर्स के हिसाब से जो है बैग्स रखे हुए हैं। और अभी यहाँ का टेम्परेचर उतना नहीं है यहाँ का टेम्परेचर? नहीं, अभी इसका 24 डिग्री टेम्परेचर है। 24 डिग्री टेम्परेचर जी। तो यहाँ भी उसी यूनिट का आपका 5 टन का जो है आपका? हाँ जी, 5.5 टन का लगा हुआ है। तो देखिए आज बहुत कमाल की जानकारी हमें मिली है कि कैसे मशरूम का उत्पादन करें और कैसे ये एक प्रॉफिटेबल मॉडल बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी नवीन जी ने बात किया और वो काफ़ी खुश हैं इस मॉडल पर काम करके। तो इन फ्यूचर आपकी और कोई प्लानिंग की आप? जी मैं इसको और बढ़ाने की प्लानिंग में लगा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। ओके सर, थैंक यू।